सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज आपको नेक्स्ट जो यूपी अधीनस्थ के तीनों पेपर हुए थे उस दिन मैंने आपको दूसरा वाला बताया था, आज मैं आपको पहला वाला सॉल्व करा दूंगी। ये 28/2/2016 को हुआ था फ्रेंड्स। तो देखिए, ये जो मैं आपको बता रही हूँ अकॉर्डिंगली, मतलब जो हमको इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे या जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन आपको इसके भी अराउंडिंग और भी जो क्वेश्चन हैं जो मैं बताती हूँ या पूछती हूँ उसको भी आप देखते रहिएगा और आगे मैं आपको गाइड करती रहूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आते हैं, देखिए सबसे पहला था सामान्य विज्ञान, लेकिन 26 नंबर क्वेश्चन से हमारा सामान्य ज्ञान यानी कि जीएस शुरू होता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, जो आप देख सकते हैं इसमें दिया गया ऑप्शन अरस्तु, प्लेटो, महात्मा गांधी और इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम महात्मा गांधी की बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने अहिंसा पर विचारधारा दिया था, ठीक है, और हम उनको अपनी आज़ादी से जोड़ के देखते हैं। अब हम सामाजिक जीवन या जो हमारा पारिवारिक जीवन है उससे बात करते हैं तो ये हमारे जो पाश्चात्य जो आपके क्या कहते हैं पाश्चात्य जो आपके जिन्होंने बताया है थॉट्स हैं तो वो हम अरस्तु और प्लेटो से लेके चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो पारिवारिक परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला ये हमें अरस्तु ने बताया था, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरा क्वेश्चन दिया है आपका, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटीन, मक्खन, मक्खन यानी फैट, सी दिया है विटामिन और डी दिया है ग्लूकोज। तो फ्रेंड्स आप लोग सभी जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकॉन डी घोल के पी जाते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, ग्लूकोज हमें तुरंत शक्ति प्रदान करता है, ठीक। इसकी जो संरचना होती है वो सरल होती है, देखिए C6H12 और O6, ठीक, तो ये जो है सरल संरचना वाली है, और जो हमारे प्रोटीन है और मक्खन है यानी कि फैट है वो उनकी संरचना कैसी होती है, जटिल होती है, वो पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, और विटामिन क्या होता है, रेगुलेटरी होता है, ठीक। तो इसको हम याद रखेंगे, ये क्या होगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा ग्लूकोज, ठीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो रक्षा एप्लीकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। इसमें ऑप्शन दिया है फ्रोटॉन, फोटॉन वैज्ञानिक लैंग्वेज है, C++ और सी लैंग्वेज ये व्यवसायिक लैंग्वेज है। इसमें हम कैसी प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए हमको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है मेडिकल पर या लाइब्रेरी पर तो हम सी पे बनवा लेंगे, ठीक है। और जो हमारा एडा है वो पास्कल से बना हुआ है और ये क्या है, ये हमारा रक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। ये है एडा 83 नाम का जो हमारा वो एप्लीकेशन वो हमारा रक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता, कार्बन अब देखिए क्या दिया है, डायमंड, सभी को पता है कि कोयले की खान से डायमंड प्राप्त किया जाता है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी कार्बन होता है, कोयला भी कार्बन होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब देखिए आपको एक नया चीज़ है, ग्रिफिन आप सभी ने सुना होगा, ग्रिफिन कैसा होता है, ग्रिफिन भी एक कार्बन का ही अपर रूप है जो पिंक कलर का होता है, ठीक है। तो ये भी अगर इसमें ऑप्शन होता तो इनमें से उसको भी हम नहीं लगाते, ठीक है फ्रेंड्स। तो कार्बन में क्या आता है, कार्बोनेट आता है, हाइड्रोकार्बन आता है, पेट्रोलियम आता है, कोयला आता है, डीजल आता है, तो ये सभी क्या है, कार्बन के अपर रूप है, ठीक है। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है, ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए, कृषि किसका विषय है, तो कृषि राज्य सूची का विषय है, ठीक है फ्रेंड, राज्य सूची का विषय है, तो कृषि पर आयकर कौन लगाएगा, कृषि पर राज्य सरकारें क्या करती हैं, आयकर लगाती हैं, ठीक है। तो कृषि पर कौन लगाता है, कृषि पर राज्य सरकारों द्वारा आयकर लगाया जाता है इसमें, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली के पर्व को शोक के रूप में मनाती है, तो ऑप्शन है आपका सहरिया, थारू,
वोटिया और पहरिया। देखिए जो थारू जनजाति है उत्तराखंड के नैनीताल से लेके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक तराई क्षेत्र में फैली है और ये जो होती है ये दीपावली के पर्व को शोक के रूप में मनाती है। इसका जो मूल वंश है वो किरात वंश से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, अब आते हैं हम 32 नंबर क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र का प्रारंभ किया गया? अब ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, दिया है आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और सहारनपुर। ठीक है, तो अब हम आते हैं, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा आपका अलीगढ़। ठीक, अलीगढ़ में सर्वप्रथम सौर ऊर्जा का संयंत्र लगाया गया है। ठीक है, और हमने उस दिन और भी बताया था कि जो हमारा कोच्ची एयरपोर्ट है वो भी सोलर ऊर्जा से संचालित है। ठीक, ये तो एक बार रिवीजन मैंने कर दिया आपको। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? अब ये दिया है गोरखपुर, जयपुर, किन्नौर और कुलेर। ठीक, अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा किन्नौर। किन्नौर जो है वो हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। ये हमारा हिमाचल प्रदेश है और ये हमारा उत्तराखंड है, तो ये जो उत्तर पूर्व वाला हिस्सा है यहाँ पर जम्मू कश्मीर लग जाता है, तो ये वाला किन्नौर जिला है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित, अब जान ही रहे हैं गोरखपुर कहाँ है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, ये हमारा जो सीमा नहीं बनाता। ठीक, इसके बाद नौतनवा आता है, फिर आपका हो गया जयपुर, तो ये भी आप जान रहे हैं राजस्थान में है, तो ये भी नहीं है। ठीक, अब आते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट है क्या है? पर्वत है, पहाड़ों का ढलान है, पठार है, पहाड़ी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जब जो हमारा गोंडवाना लैंड का जो टूटा हुआ भाग था वो जाके किससे टकराया? यूरेशियन प्लेट से टकराया था, तो जिस कारण ये वाला हिस्सा झुक गया और ये वाला कुछ हिस्सा जो टूट के अरब सागर में गिर गया था, तो उस कारण वो सीधा कगार बन गया, अर्थात ये पठारों का ढलान है। ठीक है, ये कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है। अब हम आते हैं कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडारण होता है? देखिए दिया है ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और बाइनरी। देखिए ऑक्टल क्या होता है, जब हम किसी को 8 से डिवाइड करें तो ऑक्टल होता है, जब हम डेसिमल मतलब 10 से, और हेक्साडेसिमल मतलब, तो देखिए फ्रेंड ये सब छोड़िए, हम सीधे सीधे बात करते हैं कि कंप्यूटर में डाटा किस रूप में होता है, वो हम 0 और 1 के रूप में करते हैं। ठीक, 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन, यानी बाइनरी। ठीक, ये क्या होता है, बाइनरी रूप में भंडारण किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारी बिट और बाइट, ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो ये दोनों भी कंप्यूटर के भंडारण से संबंधित है। बिट के रूप में कोई भी डाटा आता है, जब वो 8 बिट हो जाता है तो 1 बाइट कहला देता है। ठीक है, तो इस तरह हम इसे बाइनरी के रूप में कहते हैं और ये 2 की पावर के रूप में रहता है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, ऐसे करके चलेगा। ठीक है, तो बाइनरी रूप में ये भंडारण किया जाता है। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो देखिए जो महात्मा गांधी की बात आती है, तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ठीक है, तो ये याद करने का विषय है, इसे आप याद कर लेंगे। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, कहाँ गया, अब आते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, क्वेश्चन नंबर 37 है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है, मैनचेस्टर कोयम्बटूर है। ठीक है, ये नीलगिरी की तराई क्षेत्र में स्थित है। और देखिए मैनचेस्टर हम किसे कहते हैं, मैनचेस्टर जो वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है हमारा वो कानपुर है। ठीक, इसी तरह अहमदाबाद भी है। ठीक, पश्चिम भारत में अहमदाबाद है, तो ये सारे जो मैनचेस्टर की हम बात कर रहे हैं वो मैनचेस्टर इंग्लैंड में है और वो सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग का है कि सिटी है, इसलिए उसके आधार पर हम जो दूसरे दूसरे जगह हैं उन वहाँ पर जो वस्त्र उद्योग से संबंधित नगर होते हैं उनको हम मैनचेस्टर कह देते हैं या उपमा दे देते हैं। ठीक है,
अब हम आते हैं निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर ए सॉरी ऑप्शन नंबर ए एमएस वर्ड, उस पर लिखा है डॉक्यूमेंट, एमएस एक्सेल एक्सेल लिखा है, एमएस पॉइंट जे पी जी लिखा है, और एमएस पावर पॉइंट पी टी पी लिखा है। ठीक है, पी टी पी, ठीक है, पी टी पी लिखा हुआ है। तो इस पी टी पी के जगह ये पी पी टी लिखा होता, ठीक, अगर ये पी पी टी लिखा होता तो ये हो जाता पावर पॉइंट, ठीक है, तब हम इसको लगा देते, लेकिन पावर पर स्टेशन नहीं लिखा, ये पी टी पी लिखा है, तो इसलिए डी ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा हुआ है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। अब हम आपको बताए थे मौलिक कर्तव्य 51 के क में वर्णित है, तो उसमें देखिए क्या क्या दिया है, लोकसभा चुनाव में वोट डालना, राज्य वैज्ञानिक कागजों को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, और संविधान को मानना और इसके आदर्शों की कद्र करना। अब देखिए जो हमारा ये है लोक चुनावों में वोट डालना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, ये अनुच्छेद 325 और 326 में वर्णित है, इसलिए ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40, उसमें दिया है वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त में 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हुई। फ्रेंड्स देखिए ये उस समय बहुत ही चर्चित था, बंधन बैंक। ठीक है, ये बंधन बैंक ये कहाँ की है, पश्चिम बंगाल की है, और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। ये एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी जो बाद में बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई थी। 41 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव्यता अनुपात है। तो देखिए क्या है, पूंजी पूर्ण रिटर्न, बी नंबर पे लिखा है चालू अनुपात, तीसरा दिया है परिसंपत्ति टर्नओवर, और आपका चौथा दिया है ऋण में शेयर पूंजी अनुपात। ठीक है, तो जी ये जो आपका चालू अनुपात है इसको हम बोलते हैं SLR, सावधिक तरलता अनुपात। देखिए चालू अनुपात का मतलब है तरलता। ठीक है, तो ये हो गया आपका SLR, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा P। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है। तो मैंने आपको जब भारत का भूगोल पढ़ाया था फ्रेंड्स, तभी मैंने बताया था जो पाक जल संधि है वो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल मालदीप और मिनिकाय को अलग करती है, 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को कार्निकोबार से अलग करती है। ठीक है, ग्रेट चैनल इंग्लैंड में है। अब हम आते हैं संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए फ्रेंड्स संविधान सभा इसमें ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन दिया है B.R. अंबेडकर, दूसरा दिया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और चौथा दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो B.R. अंबेडकर थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष कभी नहीं बने। ठीक, अब आता है सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद। तो जो हमारे अस्थाई प्रथम अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो इसलिए जो 11 दिसंबर फिर उन्होंने जो है फिर 13 दिसंबर को डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की अध्यक्षता की थी। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा पहले अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक, किसने बंगाल में स्थाई उपनिवेश की शुरुआत की। अब देखिए फ्रेंड स्थाई उपनिवेश का अर्थ क्या होता है, स्थाई उपनिवेश का अर्थ होता है कि हम जहां पर कोई चीज खरीदें या कोई नियम लागू करें जिससे हम वहां से धन उगाही कर सके। तो इसमें आपका नाम आता है कॉर्नवालिस। देखिए कॉर्नवालिस में सबसे पहला है कर्जन 1905, फिर डलोजी, फिर विलियम बेटिंग, तो ये सब बाद के लॉर्ड हुए हैं। सबसे पहला कौन आया, कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस ने यहाँ पर क्या किया था, सबसे पहला स्थाई उपनिवेश बनाया था, और आपको पता होना चाहिए इन्होंने ही स्थाई बंदोबस्त भी लाया था। ठीक है, स्थाई बंदोबस्त किससे संबंधित है, स्थाई बंदोबस्त लगान उगाही से संबंधित है। ठीक है, अब हम आते हैं ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है। अब देखिए अब बेटियों की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होगा भारत का शिशु लिंगानुपात बहुत कम है, और पश्चिम के राज्यों में उत्तर पश्चिम से हरियाणा, चंडीगढ़, दमनदीप, गोवा
और इन सब राज्यों में जो शिशु लिंग अनुपात है वो भारत की कुल लिंगानुपात से बहुत कम है। तो ये जो हमारा प्रोग्राम शुरू किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये 22 जनवरी 2015, 22 जनवरी 2015 को पानीपत, ठीक है, पानीपत से प्रारंभ किया गया था। ठीक, तो ये जो हमारा कार्यक्रम है पानीपत से। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो हो गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपको इसी तरह जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, जैसे अभी जन धन योजना है, जन धन योजना, ठीक, इसको अब ओपन एंडेड बना दिया गया है। ओपन एंडेड का मतलब क्या हुआ, अब ये कभी ना खत्म होने वाली योजना बन गई है। ठीक, अभी जो बजट आया है उसमें रक्षा बजट में बहुत क्या कहते हैं सबसे ज्यादा व्यय किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आपको इस बार बजट आई है उनसे भी आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर कौन सा कार्य किया गया है। ठीक है, तो अब हम आते हैं, ये योजनाओं से जरूर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में डालते हैं। अब देखिए प्रयोग के लिए, बातों को अगर आप तोड़ तोड़ के समझेंगे तो आपको जो इकोनॉमिक्स की टर्मोलॉजी है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब देखिए, हम जैसे ये स्केच खरीदते हैं, हमने बोल दिया हमने खरीदा तो ये क्या हुआ, हमने अपने प्रयोग के लिए खरीदा ना, तो इसको हम कहाँ डालेंगे, खरीद खाते में डालेंगे। तो वैसे ये लिखा है अपने स्वयं के प्रयोग, ये क्या कर रही हूँ, मैं स्वयं प्रयोग कर रही हूँ, मालिक द्वारा मतलब मैं मालिक हुई तभी तो मैंने खरीदा, तो इसको किस खाते में डालेंगे, इसको हम खरीद खाते में डालेंगे यानी परचेज अकाउंट। अब आते हैं मोनाजाइट, 47 नंबर क्वेश्चन, मोनाजाइट किसका अयस्क है। देखिए मोनाजाइट, थोरियम का अयस्क है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत के बालू में पाया जाता है और ये क्या है, यह एक परमाणु खनिज है, परमाणु खनिज है। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम परमाणु ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। तो क्योंकि देखिए अभी तक हम क्या कर रहे हैं, पोलोनियम से कर रहे हैं, यूरेनियम से कर रहे हैं, तो वो सब क्या है, वो सब बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। लेकिन जो मोनाजाइट है वो भारत में बहुत मात्रा में केरल के पास पाई जाती है, तो इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद आता है, इसके ऑप्शन देखिए दिया है, जर्कोनियम, टाइटेनियम और लोहा। अब लोहा, अब देखिए लोहा हो नहीं सकता क्योंकि लोहा का अयस्क आपको पता है हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है। ठीक है, अब टाइटेनियम, टाइटेनियम का जो अयस्क होता है वो इल्मेनाइट पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये, और जिरकोनियम का अयस्क होता है बेडिटिलाइट। ठीक है, तो अब इसमें क्या बचा, मोनाजाइट, थोरियम, अयस्क। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48, इसमें दिया निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग ने जब साइंस पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कुछ स्त्रीलिंग हार्मोन होते हैं, कुछ पुल्लिंग हार्मोन होते हैं। तो इसमें जो एस्ट्रोजन है वो आपका स्त्रीलिंग हार्मोन है, और जो आपका एंड्रोजन है वो आपका पुलिंग हार्मोन है। ऑक्सीजन कोई हार्मोन होता नहीं है। ठीक है, और इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन हमें डायबिटीज पेशेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका ऑप्शन ए है वो हो जाएगा, ये क्या है, ये स्त्रीलिंग हार्मोन है। ठीक है, एस्ट्रोजन। ठीक, बीसीजी टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। देखिए जो बीसीजी टीका है ये हमारा है आपका किसके लिए आएगा, ट्यूबरक्लोसिस के लिए आएगा, और ये जो टीबी बीमारी होती है उसको ख़त्म करने के लिए ये वैक्सीनेशन किया जाता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसकी बैक्टीरिया का नाम होता है। और ये जो बीसीजी आपका है, बीसीजी बैसिलस कॉलमेट
ग्यूरिन, ठीक है, इस टीके का पूरा नाम है। यह ट्यूबरक्लोसिस के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से किस क्रांति को तिलहन उत्पादन के लिए उत्पन्न किया गया है? क्वेश्चन नंबर 50। अब देखिए, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, स्वर्ण क्रांति और पीली क्रांति। अब देखिए, जो तिलहन मतलब तेल, तेल माने सरसों, सरसों किस कलर का? पीला। तो हम ऐसे याद कर लेंगे कि पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहनों से संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। और जो हमारा स्वर्ण क्रांति है वो बागवानी फसलों से या फलों से संबंधित है। ठीक है, तो ये क्रांतियाँ आप जरूर याद करिए, गोल क्रांति, गुलाबी क्रांति, नीली क्रांति, काली क्रांति, भूली भूरी क्रांति, ये सब मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51। एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों कार्य होता है। तो देखिए, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि और अग्नाशय। तो आपको पता होगा जो अग्नाशय ग्रंथि है, ठीक, अग्नाशय से क्या निकलता है? अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। और ये जो आपका है अग्नाशय, हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ये लीवर के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंग है। और यहाँ पर लैंगर हैंस की दीपिकाएं पाई जाती है। दीपिकाएं मतलब छोटे छोटे पुटिका टाइप की होती है, उससे इंसुलिन, ग्लूकोन और बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, तो अग्नाशय बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट है हमारे शरीर का। ठीक, अब आते हैं हम भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा 243 है वो हमारा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक, इसमें था भूमि सुधार, दूसरा ऑप्शन था पंचायती राज, तीसरा था मौलिक कर्तव्य और चौथा था राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ। तो देखिए, जो हमारा मौलिक कर्तव्य अभी मैंने आपको बताया 51 का ए में है, और जो आपके क्या कहते हैं राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां वो 161 में है। ठीक है, क्षमादान की शक्ति है। ठीक, राज्य की कार्यपालिका इसमें है 162 में है। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। ठीक, ये कौन सी कमेटी थी? बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी और सिंघवी कमेटी। और उस दिन मैंने शायद आपको बताया था कि पंचायती राज व्यवस्था नागौर से प्रारंभ हुई है राजस्थान के। ठीक है, हो गया। अब आते हैं, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो अगर ये मुद्रा बिल है या नहीं है तो इसको कौन प्रभावित करेगा? विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी बिल, चाहे वो राज्यसभा की, सॉरी, चाहे वो लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें, वो बिल मनी बिल है या नहीं, इसको अगर लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष, और अगर हम विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष ये बताएगा ये मनी बिल है कि नहीं है, धन विधेयक है कि नहीं है। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व हुआ था? मुगल और मराठा, देखिए मराठा, मराठा की प्रारंभ कहाँ से हुई? शिवाजी से। ठीक, हम प्रारंभ की बात कर रहे हैं, क्या ना, प्रारंभ हुआ था। ठीक, तो और अंतिम मुगल बाद जो हमारे जिस समय शिवाजी आए थे उस समय कौन था? औरंगजेब था। ठीक, मुगल बादशाह कौन थे? औरंगजेब थे। तो जो पहला इन दोनों के बीच मतलब क्या कहते हैं द्वंद्व शुरू हुआ था वो औरंगजेब के टाइम से शुरू हुआ था। और उसी समय क्या हुई थी? उसी समय राजा जयसिंह के साथ एक संधि हुई थी, और यहीं से क्या कहते हैं मराठे और आपके मुगलों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हो गया था। ठीक, इसे कहा 1665 पुरंदर की संधि। इसी समय जो शिवाजी थे उनको बंदी बना लिया गया था और वो फलों की टोकरी से भागे थे। सभी ने कथा सुनी होगी जरूर, ये कथा के रूप में प्रचलित है, जितना आपने पढ़ा नहीं होगा तो कथा सुन ली होगी। अब आते हैं, कौन
क्वेश्चन नंबर 55, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ये फ्रेंड्स याद करने का विषय है, ऑक्सीजन की खोज 1774 में प्रिस्टले ने की थी, जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। ये एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे। ठीक, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिस्टले। अब आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया, रुपया सम ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, रुपया जो हम लोग आजकल रुपए और रुपया, ठीक वही चीज है। तो ये शेर शाह सूरी के काल से, ठीक है, शेर शाह सूरी, ठीक, ये एक अफगान वंश के शासक थे। ठीक, इन्होंने बहुत सारी व्यवस्था बनाई, जैसे आप ग्रैंड ट्रेन रोड की बात करेंगे, सरायों की बात करेंगे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई थी। और उन्होंने जो रुपया चलाया था उसको हम आज भी यूज करते हैं, ये 178 ग्रेन का था, 178 ग्रेन का था। ठीक है, तो अकबर नहीं, हुमायूं नहीं, समुद्रगुप्त नहीं, ये कौन थे? ये थे शेरशाह सूरी, जिन्होंने रुपया चलाया था। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्र में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन और दीप और पांडिचेरी, ठीक है, तो ये सभी छोटे छोटे राज्य हैं। और आपको ध्यान रखना होगा जो सबसे छोटा है वो लक्षद्वीप है। ठीक है, तो इस पे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें जो सबसे बड़ा है वो पांडिचेरी है। पांडिचेरी तीन जगह पे, माहे, अनम और पुडुचेरी मिला के पांडिचेरी बनता है। तो ये तीन राज्यों में फैला, एक आंध्र प्रदेश हो गया, एक केरल हो गया, एक तमिलनाडु हो गया। ठीक, तो इसलिए पांडिचेरी इसमें सबसे बड़ा है। वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि देखा जाए तो सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी होंगी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 58, सोलर बी सूर्य का अध्ययन करने वाला सैटेलाइट निम्न में से किस देश ने लॉन्च किया? तो ये सोलर बी है फ्रेंड, इसे याद कर लीजिए, इसे जो लॉन्च किया था ये हमारे जापान ने किया था। ठीक, अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप हमें जरूर बताइएगा कि अभी चंद्रमा पर एक सैटेलाइट भेजा गया है चीन की तरफ से, और वह चंद्रमा के डार्क जो एरिया है उस पर उतरा है, उसका नाम क्या है? सभी जो लोग इस वीडियो को देखेंगे वो जरूर बताएंगे हमको कि उसका नाम क्या है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो देखिए, संगम साहित्य जो है वो मुख्यतः तमिल साहित्य है, वैदिक साहित्य, संस्कृत साहित्य, ये दोनों एक ही चीज है, उर्दू साहित्य तो मुगल काल से संबंधित है, तो इसलिए संगम साहित्य कौन सा हो गया आपका? तमिल साहित्य है। ठीक है, इसी को हम संगम काल के नाम से भी जानते हैं, और ये 9000 वर्षों तक चली थी, इसमें 4500 शासकों का योगदान रहा है। ठीक है, आपने सुना होगा त्रियुक्त वल्लूर, व्याकरण ग्रंथ, ये सब इसी संगम साहित्य में बने हुए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो देखिए, दिया है ऑप्शन ए सेब, अमरूद, आंवला और दूध। अब दूध एकदम नहीं हो सकता, क्योंकि दूध में क्या होता है, विटामिन सी डालेंगे तो वो फट जाएगी। अब आते हैं हम अमरूद, अमरूद में भी विटामिन सी पाया जाता है और आंवला में भी विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक जो बड़ा स्रोत है वो हमारा आंवला है। ठीक है, तो आंवला, नींबू, ये सब जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61, विंबलडन ओपन 2015 में महिला डबल श्रेणी में विजेता कौन थी? तो ये आपको याद, क्योंकि उस समय जो ये बहुत चर्चा में था, क्योंकि सानिया मिर्जा इसमें भाग ली थी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी, सानिया मिर्जा, और ये हो जाएगा मार्टिन हिंगिस। अब आते हैं हम, अब इसी तरह आप विंबलडन के जो इस समय हुए हैं 2018 वाले, सभी को आप पढ़ लेंगे, और पढ़ने के बाद उसको कहीं नोट भी कर लेंगे, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना
सभी निम्नलिखित में से किसका कारण है? अब देखिए वनों की कमी क्यों आ रही है, वनों की कमी जब जनसंख्या बढ़ती है तो लोगों के लिए निवास स्थान नहीं होता है और ना ही लोग क्या करते हैं खेती कर पाते हैं, तो वनों को काटते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे नगरीकरण बढ़ता है, और जब नगरीकरण होगा तो नगरीय कचरा औद्योगिक कचरा बढ़ेगा, तो इसलिए इन सब का कारण क्या हो गया, आबादी का बढ़ना। जो हम भारत में देख सकते हैं कि लगातार इस पे कार्य हो रहा है फिर भी वो सुधर नहीं रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? अब देखिए फ्रेंड, जो आपका ये अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 चार ऑप्शन दिया है। अब 17 जो है अस्पृश्यता का अंत है, ठीक है, तो ये जो 15, 16 है आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। अब आते हैं हम अनुच्छेद 18, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, ठीक है। अब हम किस उपाधि की बात कर रहे हैं, ऐसी उपाधियां जो प्राइवेट बॉडीज द्वारा दी जाती है या विदेशी सरकारों द्वारा दी जाती है, हमने उन सब का अंत कर, पहले सर की उपाधि थी, लॉर्ड्स की उपाधि थी, ये सारे उपाधियों का अंत कर दिया है, लेकिन जो भारत सरकार देगी उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। तो ये है 18 का एक, एक्चुअली ये है अनुच्छेद 18 का एक है, ठीक, उसके अनुसार हम भारत रत्न पद्मश्री अवार्ड को भारत सरकार ने प्रारंभ किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? देखिए राजस्व व्यय किसे कहते हैं, सबसे पहले तो हम इस बारे में बात करेंगे। राजस्व व्यय वो होता है जिससे ना हमें कोई लाभ होगा और ना हमें कोई नुकसान होगा, ऐसा व्यय जो हमारे लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा, ठीक। अब देखिए जैसे हम फैक्ट्री सेट का निर्माण, ए ऑप्शन है फैक्ट्री सेट का निर्माण, अगर हम फैक्ट्री को बनाएंगे तो उससे हम खुद उत्पादन करेंगे। जमीन का खरीदना, अगर हम जमीन खरीद रहे हैं तो हम पैसा लगाएंगे। डी ऑप्शन है एक नए मशीन की स्थापना, तो उससे भी हम उत्पादन करेंगे। सी ऑप्शन है एक प्रिंटर की मरम्मत, मरम्मत क्या होता है, जैसे ये स्केच है और हम ये स्केच को मान लीजिए 35 रुपये से खरीदे हैं, और अब इसमें क्या है, इसमें इंक नहीं है, तो हमने क्या इंक खरीद के लाया या इसकी मरम्मत करवाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा राजस्व व्यय हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा सी। अब आते हैं 65 पर, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया है 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 25 दिसंबर और 31 दिसंबर, तो ये हो जाएगा का 3 दिसंबर, ठीक, 1 दिसंबर मानवाधिकार दिवस है। 66 नंबर क्वेश्चन है, वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट आया था? तो देखिए वास्को डिगामा जो था ये पुर्तगाली नाविक था, और ये जो है 1498 में कालीकट तट पर आया था। कालीकट कहाँ है, कालीकट केरल में है, और ये उस समय वहाँ का शासक कौन था, जमोरिन था। वास्को डिगामा 3 बार भारत आया था व्यापार करने के उद्देश्य से। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 67, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी एक बार जब भारत का भूगोल पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, जिसमें आता है सबसे पहले गुजरात, ठीक, ऐसे चलेंगे तो यहाँ गुजरात आएगा, फिर इस कुछ पोर्शन में राजस्थान आएगा, फिर मध्य प्रदेश आएगा, फिर छत्तीसगढ़ आएगा, फिर पश्चिम बंगाल आएगा, ठीक है, और फिर क्या आएगा, फिर त्रिपुरा आएगा ऐसे करके, और फिर मिजोरम इस साइड में आएगा, तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए, तो इसमें आप मिला लेंगे, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं रहेगा, इसमें असम नहीं रहेगा, ठीक है, असम कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो अब देखिए पतंजलि की अगर बात आती है तो वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, और इनकी जो रचना थी वो महाभाष्य थी। 69
कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देती है? तो हार्नबिल पक्षी, गल पक्षी, कठफोड़वा और बी हमिंग बर्ड्स। तो जो हमिंग बर्ड्स होती है फ्रेंड्स, वो बहुत छोटी, 2 इंच की होती है, तो इसका अंडा भी सबसे छोटा होता है, तो ये हो जाएगा हमिंग बर्ड्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? अब देखिए, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर जो अभियोग चलाते हैं वो अनुच्छेद 61 यानी 61 के अनुसार चलाते हैं। जो उपराष्ट्रपति है उस पर 67 का ख, और जो आपका मुख्य न्यायाधीश है उसका 124 का 4 आर्टिकल के अंतर्गत हम महाभियोग चलाते हैं। जो हमारा राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रसाद पर्यंत के अर्थ ये हो गया, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक उसे बना के रखेगा, जब उसे लगेगा कि ये सही नहीं है तो उसे हटा देगा। ठीक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71। एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? तो ये उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अनुसार 10 सदस्य होने चाहिए। कम से कम 10 सदस्य हो जाएंगे तो सहकारी समिति का गठन हो जाएगा। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 72। निम्न निम्न का निम्नांकित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन है? देखिए, जो स्वतंत्र है वो इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट जो पत्रिका थी उसके संस्थापक मोतीलाल नेहरू जी थे। ये अंग्रेजी भाषा में थी तो इसको जबरदस्ती हिंदी में लिख दिया गया है जिससे आप लोग कन्फ्यूज हो जाए। ये 1919 में छपी थी। ठीक, अब 73 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करता है? तो ये हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, ये क्या कह रहा है, एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करना। मतलब आप कुछ भी लिख दीजिए, जैसे हमने उपाधियों का अंत लिख दिया, अब इसको वो 01 के फॉर्म में डिजिटल फॉर्म में चेंज कर देगा, ये हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर। ठीक, अब आते हैं जंग लगने पर लोहे का भार। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड, और आपको ये समझना होगा कि जंग कैसे लगता है। जब लोहा रहता है और नमी और वायु से वो क्रिया कर लेता है, ऑक्साइड बना लेता है, तब लोहे में जंग लग जाती है। तो जब उसमें वायु ऐड हो गई ना, तो अब क्या हुआ, उसकी जो भार था लोहे का भार वो बढ़ गया। ठीक, तो ये जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, बढ़ जाता है। अब आता है शहद का प्रमुख घटक क्या है? देखिए, ग्लूकोज, सुक्रोज, फैक्टोज और माल्टोज। ठीक, तो जो फैक्टोज होता है फ्रेंड वो शहद का मुख्य घटक होता है, और ये लगभग 33% उसमें पाया जाता है। उसके अतिरिक्त इसमें ग्लूकोज भी पाया जाता है, माल्टोज भी पाया जाता है, लेकिन मुख्य घटक क्या है वो हमारा है आपका फ्रेक्टूस। तो इसको आप याद कर लेंगे। ठीक, हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। अब मैंने उस दिन आपसे पूछा था हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आप सभी ने बोला होगा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका 28/2/2000 वाला पेपर। इसके बाद एक पेपर और है, उसे भी मैं सॉल्व करवा दूंगी। ठीक, और उसके बाद जो UPPCS के थ्रू जो पेपर हुए हैं 2 पेपर, वो भी मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी। और इसके साथ आप लोग तैयारी करते रहिएगा। धन्यवाद।